क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय बच्चों, आज हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। क्रांति का अर्थ होता है समय की एक अवधि जहां इतने सारे हलचल मचते हैं, हलचल होते हैं कि उसके बाद का जो समय होता है उसमें लोगों की जिंदगी, उनकी जीवन शैली पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड में 1760 से लेकर 1830 के बीच में। उस वक्त के शासक थे राजा जॉर्ज III, और उस वक्त इतने सारे तकनीकें बनी, इतनी सारी प्रौद्योगिकी बनी, इतनी सारी मशीनें बने कि जो उत्पादन होता था कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लगा, और इसी का नाम था औद्योगिकरण। और ये इतनी तेज़ी से बढ़ा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन, उनका नाम था आर्नल्ड टॉइनबी, उन्होंने इनका नाम दिया औद्योगिक रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यही है हमारा टॉपिक, इसको हम जानते हैं। एक कहावत है कि समय धीरे धीरे बीतता है, फिर अचानक बहुत सारी चेंजेस होती हैं, फिर धीरे धीरे बीतता है, और ये धीरे धीरे के टाइम पे बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो कहावत तो अपनी जगह पे है, पर हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, ये जो धीरे धीरे हो रही थी ना, उस वक्त कुछ चेंजेस हो रही थी, और ये सब चेंजेस का जो प्रभाव था वो अचानक एक जगह पे आई, और जब एकत्रित होके आई तब ये बहुत सारी चेंजेस हमें जल्दी जल्दी देखने को मिली। तो इसको हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से पहले इंग्लैंड का हाल क्या था। उस वक्त का समाज कृषि प्रधान समाज था, मेनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, और उस वक्त ऐसा नहीं था कि उद्योगे नहीं थी, जरूर उद्योगे थी, पर वो बहुत बड़े स्केल पे वो उद्योगे नहीं थी। तो नंबर वन चीज़ जो उस वक्त हुआ वो था कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स का यूनियन हो गया। इससे क्या हुआ, देश के एक साइड से दूसरे साइड तक कोई भी माल, कोई भी प्रोडक्ट आप भेज सकते हो बिना किसी बाधा और बिना किसी रुकावट के। और ये भी वो समय था जिसको इंग्लैंड में कहा गया है कनाल्स का युग। कनाल यानी कि नहर, बहुत सारी नहर बन गई, और नहर पे बड़ी बड़ी बोट्स चलने लगी, और सामान को बोट पे चढ़ा के लाया जाने लगा। इससे बड़ा फायदा हुआ, एक एग्जाम्पल ले लो, न्यूकासल से कोयला लेके आना है हमें किसी साउथ के, इंग्लैंड के साउथ के किसी शहर तक, तो ये कोयला अगर आप बैलगाड़ी में ला रहे हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जितना वक्त लगेगा उतना इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। उसको अगर बोट्स पे चढ़ा के, नाव पे चढ़ाकर आप कनाल से ले आइए तो ये बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी, और इससे इसका कीमत भी कम हो जाएगा। तो जो शहर इन नहरों के पास में थी अचानक वो उद्योगों का बड़ा सेंटर बन गया, क्योंकि नहर से सामान आना जाना बहुत आसान हो गया था। थर्ड थिंग जो हुआ वो ये था कि इंग्लैंड विश्वभर में एक व्यापार का केंद्र माने जाने लगा, और लंदन जो इसकी कैपिटल सिटी थी वो इसका एक बहुत बड़ा केंद्र पॉइंट, केंद्र बिंदु माना जाता था। मुद्रा विनिमय का माध्यम बन चुका था। पहले लोग क्या करते थे, कोई परिश्रम करता था उसके बदले में उसे अनाज मिलता था, कुछ कपड़े मिलते थे, घर छाने के लिए कुछ सामान मिल जाता था, पर अब जितना परिश्रम किया उसके बदले में मनी मिलती थी, मुद्रा मिलती थी। तो और इंग्लैंड में बैंकिंग सिस्टम का शुरू हो गया था, और ये काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ था। लंदन में ही 100 बैंक थे, और बाकी इंग्लैंड में 600 और बैंक्स खुल गए थे, और लंदन का जो मेन बैंक जो था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये एक बहुत जाना माना, सारे दुनिया में एक आर्थिक केंद्र माना जाने लगा था। एक और चीज़ हुआ जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, इस वक्त जो अमीर किसान थे, जो व्यापारी थे, इनके पास उद्योग, ये उद्योग से और व्यापार से काफ़ी पैसा जमा हो गया था, और वो चाह रहे थे कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो हम इन्वेस्ट करें, वो पैसा लगाना चाहते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा माहौल बना था आविष्कारों के लिए। तो बच्चों, अब हम आते हैं 1760 पर। सबसे पहला जो चीज़ था वो था एक उच्च कोटि का, उच्च मान का लोहा और स्टील बनना। लोहे का जो अयस्क होता है, और इंग्लैंड में बहुत सारी कोयले और लोहे के खदानें थी, लोहे का जो अयस्क होता है इसमें से लोहा निकालने के लिए अयस्क को पिघलाना पड़ता है, और इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जो इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग के लिए ज़रूरत है ब्लास्ट फर्नेस। तो ये ब्लास्ट फर्नेस का जरूरी है कि उसकी टेम्परेचर बहुत हाई हो। तो औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था कि लोग लकड़ी इस्तेमाल करते थे, लकड़ी जला के चारकोल बनता था, उस आग से, उस ताप से वो लोहे को पिघलाते थे। श्रॉपशर नाम के एक जगह में डार्बी नाम का एक परिवार था जिनका एक ब्लास्ट फर्नेस था, उन्होंने सबसे पहले इसमें कोक का इस्तेमाल किया।
अब कोक क्या है? कोयला, जिसमें से सल्फर इत्यादि इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाए। कोक डाला ब्लास्ट फर्नेस में तो तापमान इतनी हाई हुई और इससे बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया मानक का लोहा और स्टील बनने लगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम था। नेक्स्ट कदम था, जेम्स वॉट नाम के एक आविष्कारक थे, उन्होंने भाप की शक्ति से इंजन का आविष्कार किया। इससे पहले क्या होता था, इंजनें तो चलती थी, पर इंजनें चलती थी मनुष्य की मांसपेशी या पशुओं की मांसपेशी के बल पे या हाइड्रो पावर से। अब जब स्टीम का पावर आ गया तो बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी, क्योंकि वो एक स्टीम का मशीन 50-50 लोगों का काम एक साथ कर देता था। तीसरे नंबर पर, भाप की शक्ति का इस्तेमाल कैसे हुआ? एक तो हमने देखा फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें लग गई और वो तेजी से ज़्यादा उत्पादन करने लगी। दूसरा इस्तेमाल हुआ परिवहन व्यवस्था में। इससे पहले लोग कैसे जाते थे? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, नाव या पैदल। भाप की शक्ति से जॉर्ज स्टीवेंसन नाम के वैज्ञानिक ने, आविष्कारक ने, उन्होंने दुनिया की पहली स्टीम लोकोमोटिव बनाई। इस तस्वीर को देखो बच्चों, 25 लोगों को बिठाकर ये लोकोमोटिव स्टॉकटन नाम के शहर से डार्लिंगटन नाम के शहर में गई, जिसका फासला था 30 मील। 15 मील प्रति घंटे की गति में 2 घंटे में ये जर्नी कवर की गई। और लोगों को लगा, वाह, घोड़े गाड़ी में इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ये तो बड़े आसानी से हम लोग आ गए। और क्या बात थी, सारे इंग्लैंड में रेल लाइन बिछने लगे और जो रेलवेज बनी, जो उनके एक तो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, साथ साथ बड़े पैमाने पे माल, कच्चा माल, बना हुआ उत्पाद को सारे देश में ले जाते थे। बड़े बड़े शहरों से, फैक्ट्री से उसको बंदरगाह तक ले जाते थे, ताकि बंदरगाह से वो आगे व्यापार के लिए ले जाया जाए। तो ये जो 3 मूल आविष्कार थे, इसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को बहुत जान मिल गई और तब उस वक्त एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें होने लगी। अब मशीनें हैं तो मशीन टूल्स भी बनेंगी। देखो बच्चों, कितने टाइप के मशीन टूल्स बनने लगे। अगला चीज़ जो हुआ, पोर्टलैंड सीमेंट बना। पोर्टलैंड सीमेंट से क्या हुआ, पहले छोटे छोटे मकान बनते थे, पोर्टलैंड सीमेंट से बड़े बड़े मजबूत इमारतें बनना शुरू हो गए। रासायनिक उद्योगें खुल गई, पेंट बनाने लगे, उर्वरक फर्टिलाइजर्स बनाने लगे, पेस्टिसाइड्स बनाने लगे, जिससे कृषि पे काफ़ी फायदा हुआ, कृषि पे काफ़ी प्रभाव हुआ। और क्या किया लोगों ने, गैस के पावर के उन्होंने लगाया घर में बिजली उत्पादन करने लिए। पहले सड़कों पे रात होती अंधेरा हो जाता था, सब लोगों को अपना मशाल लेके सड़क पे चलना पड़ता था। अब क्या होगा, सड़कों पे देखो गैस की बत्ती जल गई, हर रोज शाम को आके एक आदमी जला के जाता था और सुबह आके इसको बुझा के जाता था। केवल सड़कें ही नहीं, ये घर के अंदर भी ये बिजली बत्ती आ गई और इससे लोगों की जीवन शैली में बड़ा फर्क आ गया। साथ साथ बना ग्लास, देखो शीशा, तो ग्लास से फ़ायदा हुआ कि पहले लोग अपने घरों में लकड़ियों की खिड़कियां बनती थी, अब लकड़ियों में लकड़ी के शटर के अंदर ग्लास के पेन्स लगने लगे और इससे घर के बाहर की रोशनी घर के अंदर आने लगी। दिन के वक्त लोगों को दिया नहीं जलाना पड़ता था, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। और बच्चों, एक और चीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और वो था बड़े पैमाने पर कागज़ का उत्पादन। कागज़ पहले भी बनता था, पर वो हैंडमेड पेपर होता था और वो बहुत ही कीमती होता था। और जो किताबें होती थी उस वक्त, वो हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी। आप ही सोचो बच्चों, दुनिया में कितनी किताबें होंगी और कितने ही लोग उन किताबों के पास पहुंच पाते। अब जब मशीनों में कागज़ बनने लगी, बहुत बड़े पैमाने पे कागज़ बनने लगी, और साथ साथ एक और इन्वेंशन हुआ जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग मशीन। गुटेनबर्ग नाम के एक जर्मन ने ये छापने की मशीन बनाई। ये विश्व का पहले छापने की मशीन है। और इसमें पता है आपको कौन सी किताब सबसे पहले छापी गई थी? बाइबल। उसके छपने के बाद एक के बाद एक किताबें छपने लगी, और जब इतनी किताबें हो गई तो वो सस्ती भी हो गई, हर इंसान के पास किताबें पहुंचने लगी, और लोगों को लगने लगा साक्षर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कूल्स में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, एक जीवन शैली में चेंज आने लगा ना। और एक और चीज़ हुआ जो सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड में एक बड़ा उद्योग था कताई और बुनाई। पहले क्या होता था, जो कताई और बुनाई से जो बनता था वो इस्तेमाल करते थे ऊन या सन, वुल या फ्लैक्स। औरतें घरों में अपना घरों में कताई करती थी और ये सारे धागों को इकट्ठा करके लिया जाता था बुनकर के पास। कहा जाता है 10 औरतें मिलकर धागा काटती थी तो एक बुनकर एक दिन के लिए बिजी होता था। आप ही सोचो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम तो नहीं था।
अब जो यंत्र बना जिसको कहते हैं स्पिनिंग जेनी, इसको अच्छी तरह से देखो बच्चों, एक औरत जब धागा काटती है एक धागा कटता है, और स्पिनिंग जेनी एक साथ 10 धागा काटती है। स्पिनिंग जेनी के साथ एक और चीज़ बना था, फ्लाइंग शटल, और इस तरह के 2-3 चीज़ें जो बनी थी इससे ये पूरी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी। कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हुई? पहले आपने देखा था कुटीरों में, कॉटेजेस में औरतें अपने आप बुनती थी, काटती थी धागा, अब ये सारा इंडस्ट्री आ गया फैक्ट्री में, और सारे लेडीज़ जो घर में काम करती थी वो फैक्ट्री में आके काम करने लगी, यहाँ तक कि बच्चों को भी उन फैक्ट्रीज़ में लोगों ने काम पे लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से धागा कटने लगा, और इससे बुनकर के पास भी बहुत सारा काम जाने लगा। एक और चीज़ हुआ था, उस वक्त इंग्लैंड में अगर कॉटन के कपड़े की ज़रूरत होती थी तो वो भारतवर्ष से मंगवाते थे एक ऊँचे दाम पर, जब यहाँ उपनिवेश का स्थापन हुआ उन्होंने सोचा बना बनाया कपड़ा हम इतना प्राइस देके क्यों खरीदें, क्यों ना हम कपास खरीद के ले जाए और अपने देश में इससे धागा काटे, इससे बुनाई करें और सस्ते में बनाकर वापस ले आए। और बिल्कुल यही हुआ, वो कपास ले आते थे, स्पिनिंग जेनी में उन्होंने धागा काट लिया, बड़े बड़े मशीनों से कपड़ा बनाया, उसको ले गए बंदरगाह और वापस भारत में ले आए, और भारत के लोगों को इंग्लैंड के मिल के कपड़े बेचने लगे, और ये एक उपनिवेश व्यापार का बहुत बड़ा अंग था। तो केवल इंडस्ट्रीज में ही नहीं, कृषि में भी एक क्रांति सी आ गई। कृषि के लिए मशीन बनने लगे, जो काम लोग हाथ से करते थे, काटना, झाड़ना, संभारना, वो चीज़ थ्रेशिंग मशीन नाम की जो मशीन बनी वो करने लगी। एक मशीन 15-20 लोगों का काम एक साथ करने लगी, ये देखो थ्रेशिंग मशीन। तो इससे हुआ, जो किसान था उसके खेत में बड़े सारे मजदूर काम करते थे, किसान ने एक मशीन खरीद ली और उसने मजदूरों से कहा अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अब मजदूर क्या करते, मजदूर शहरों में चले गए, शहरों में फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री में वहाँ उनको नौकरियाँ मिलने लगी। किसानों ने एक और काम किया, जो अमीर किसान थे वो ना जितने छोटे 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 प्लॉट्स थे सबको खरीद लिया और अपनी एक बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग बना ली, और उसके चारों तरफ उन्होंने बाड़ लगा दिया ताकि हर कोई आके वहाँ काम न कर सके, और उसमें मशीनें लगाने लगे वो, तो उससे बहुत अच्छी अच्छी बम्पर क्रॉप्स उनकी होने लगी। पर लोग एकदम खाली हो गए, बेरोजगार हो गए, और आपने जैसे देखा वो शहरों में चले गए और शहरों में फैक्ट्रीज में काम करने लगे। केवल पुरुष नहीं, फैक्ट्रीज में औरतों और बच्चों के भी बड़ा डिमांड हो गया था। इसके दो कारण हैं, नंबर वन कि इनकी जो पारिश्रमिक थी, जो इनको सैलरी दी जाती थी वो थोड़ी कम होती थी, और नंबर टू इनसे लंबे घंटे काम करवाए जाते थे, 12 घंटे 14 घंटे, और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते थे, इसलिए इनका बड़ा डिमांड था। पर फिर धीरे धीरे समाज सेवी इस चीज़ों पे ध्यान देने लगे और उनको लगा ये बात सही नहीं है, तो फिर कानूने बनने लगी, और फिर ऐसा कानून बना कि 10 साल से कम का बच्चा तो फैक्ट्री में काम करेगा ही नहीं, नंबर वन, और नंबर टू जो काम करने के घंटे हैं उसको फिक्स कर दिया गया। आज तो विश्वभर में आप जानते हो बच्चों बाल श्रम कानूनी अपराध है। तो बच्चों इस सबको एक साथ हम ले आते हैं और देखते हैं औद्योगिक क्रांति के फायदे क्या क्या हुए। सबसे पहला परिवर्तन आया परिवहन सिस्टम पे। जैसा कि हमने देखा पहले लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या नाव से चलते थे, और अब सोचो बच्चों आप तो खुद ही जानते हो हवाई जहाज, बड़ी बड़ी जहाजें, रेल, ट्रक्स, बसेस, कितनी सारी परिवहन व्यवस्था बन चुकी है। नंबर टू जो हुआ, छोटे से उत्पादन जो कुटीरों में होता था उससे लेकर फैक्ट्रीज में बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा केवल मशीनों की शक्ति इस्तेमाल करके। तीसरे नंबर पे देखा गया कि जो गरीब मजदूर था उसके रहने की जीवन शैली पहले कुछ ऐसी थी, पर जब वो फैक्ट्रीज में काम करने लगा, अच्छा थोड़ा रोजगार करने लगा, तब उसकी जीवन शैली थोड़े धीरे धीरे बेटर होती गई। और चौथे नंबर पे देखा गया कि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में केवल दो वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग जिसमें राजा रानी, कुलीन लोग, धनी व्यापारी, बड़े बड़े किसान, ये एक थे, और दूसरा था गरीब वर्ग, और इन दोनों का फासला काफ़ी था। अब औद्योगिक क्रांति के बाद एक मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जो ना तो गरीब थे ना तो अमीर थे, उनके पास कुछ कुशलता थी जिसके वजह से वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे, अलग अलग तरह के काम करने लगे, और उससे वो अपने जीवन शैली को बेटर बनाने लगे। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति की कुछ चुनौतियाँ। हमने कई बार आपसे कहा है कि लोग गांव से लेकर शहर की तरफ आने लगे, अब शहर में आए तो शहर कितनी भीड़भाड़ बन गई, ये तस्वीर है लंदन की, उस वक्त की 18वीं सदी की लंदन की तस्वीर, और आज भी अगर आप भारत में भी देखो इतनी ही भीड़भाड़ शहर में मिलती है, क्योंकि लोग नौकरी के लिए, रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं।
और जब शहरों में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको बहुत अच्छा रहने का बंदोबस्त भी हो। ये उस वक्त इंग्लैंड की तस्वीर है, देखो बच्चों कैसे रहते थे लोग। और आज के भारत में भी आप देखोगे बड़े ही साधारण तरीके से कुछ लोग रहते हैं, उनकी बहुत घिचपिच बस्तियों में रहते हैं वो लोग। तीसरा नंबर जो उस वक्त भी था, आज भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, और वो है पर्यावरण का प्रदूषण। हर जगह पोल्यूशन होता जा रहा है। और चौथे नंबर पे है बाल श्रम। बाल श्रम हमने अभी सुना है कि यह कानूनी अपराध है, पर कानूनी अपराध होने के बावजूद आज भी फैक्ट्रीज़ में कभी कभी बाल श्रमिक दिखाई देते हैं। इन सब के बावजूद फिर भी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करना पसंद कर रहे थे, क्योंकि उनका एक रेगुलर रोज़गार हो रहा था। पर उनको लगता था कि एक ही काम रोज करते हैं, एक ही सारा दिन 8 घंटे 10 घंटे एक ही काम, हफ्ते में 6 दिन एक ही काम करते हैं, तो वो जो काम था वो ज़रा एकरस और नीरस हो गया। इससे लोगों का जो मज़ा आता था काम कर वो थोड़ा कम होने लगा। तो बच्चों ये था हमारा औद्योगिक क्रांति का चैप्टर, आप इस सारांश को देख लेना। तो बच्चों आप ऐसा करना, पहले आप इस वीडियो को एक बार देख लो, फिर आप चैप्टर को पढ़ना, फिर एक और बार वीडियो को देखना, तो छवि की तरह ये पूरा चैप्टर आपके मन में क्लियर हो जाएगा। और अपने शब्दों में आप बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखना, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। हमें बताना मत भूलना, और आप एक लाइक बटन दबा दो, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो सब्सक्राइबर बटन भी दबा देना। और अगर आपने आपको और सारी हमारी वीडियोस देखनी है तो ऑल बटन को जरूर 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 दबाना। बच्चों देखते रहना। कोसी।